इज कल्पना फ्रॉम हजारीबाग मेडिकल कॉलेज। तो हमारा दिन कॉलेज लाइफ में स्टार्ट होता है सुबह के 7 बजे से, जो कि घर में होता था मेरा 10 बजे से। एनीवेज, आपका मन हो ना हो जल्दी से उठ के और रेडी होना पड़ता है क्लासेस के लिए, और आज हो चुकी थी मैं लेट, इसलिए मैं आज का ब्रेकफास्ट मेरे से हो नहीं पाया। बस मैं रेडी होकर जल्दी जल्दी क्लासेस भाग गई। अब वो वहाँ पे क्या होता है कि सुबह सुबह योगा करना होता है। चलो कैसे भी करके हम योगा तो कर लिए। फिर आज का प्लान था हमारा कि जैसे योगा के बाद का सेकेंड क्लास जो था वो था हमारा जेंडर इक्वलिटी और कुछ ऐसे ही वैसे, ठीक है। तो वो क्लास करने के बाद श्योर था कि नेक्स्ट में आगे का कोई क्लास है नहीं, तो 11 बजे ही हम लोग सुबह का जो क्लास होता है फर्स्ट हाफ का वो ख़त्म हो चुका था। तो उसको ख़त्म करके हम लोग सारे अपने हॉस्टल आ चुके थे। यहाँ पे आने के बाद जो भी रह गया था काम सुबह में जल्दीबाजी में, उसको हम निपटा लिए, जैसे कि कपड़े वपड़े फोल्ड करना और थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना। तो यही दो काम ही होता है जनरली, तो वो दोनों कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद और आज का प्लान है हमारा मोमोज खाने जाने का। तो जहाँ हमारे कॉलेज है हजारीबाग में, उसके बगल में एक झील है, एक नहीं 5 झील है, और हजारीबाग झील पता नहीं पूरा नाम क्या है। तो हम सब मतलब सारी लड़कियों का प्लान था कि आज मोमोज खाने जाना है। और उसके बाद मैं दोपहर में जाती हूँ अपनी फ्रेंड के रूम पे, उसका बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आता है बाहर में, और मेरे आँख में थोड़ा ब्लैक पता है डार्क सर्कल्स, तो इसके लिए हम लगाएं कुकुम्बर। सेकेंड हाफ से हमारा सिर्फ एक क्लास था। हमारा अभी चल रहा है फाउंडेशन कोर्स, जो कि 1 के लिए ही है, मे बी आज लास्ट होगा, बिकॉज टुडे इज सैटरडे और मंडे से होगा हमारा प्रॉपर क्लास। तो ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास ख़त्म करके हम सब चले जाते हैं झील की ओर, यानी कि सारे अपने अपने एप्रन उतार कर बैग में रख लेते हैं, और उसके बाद जैसे थे हम लोग, यानी कि ट्रेडिशनल जो भी बोल सकते हैं आउटफिट, सूट सलवार एंड ऑल, तो उसमें हम लोग सारे चले जाते हैं, मतलब हम लोग सारे चले जाते हैं झील की ओर मोमोज गुपचुप मतलब गोलगप्पे और आइसक्रीम खाने, जिसको जो मन होगा। चलते चलते हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, चलते चलते थक गए थे। अगर एक इंसान को अकेले चलना पड़े तो बहुत दूर है, बट हम सब ग्रुप में थे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। और जाते ही हमें पार्क भी मिलता है, मतलब ना झील है, झील के बगल में 2 पार्क हैं, चिल्ड्रन पार्क भी बोल सकते हैं, खेलने मिलने का सब है। हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं किए, बट ठीक है, हम लोग को एंटर करने का ज़रूरत भी नहीं था, हम सब तो बस इंजॉय करने गए थे, सो वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। उसके बाद एक और बात बता दूँ, लास्ट डे यानी कि लास्ट के लास्ट डे क्या था ना, जन्माष्टमी था, तो हम लोग सारे गए थे जन्माष्टमी के लिए पंच मंदिर। यहाँ के कॉलेज के मेन मार्केट में ही पंच मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण भगवान का मूर्ति है, हाँ वहाँ पे पूजा किया जाता है कृष्ण भगवान का। तो हम लोग सब गए थे पंच मंदिर, और उसके बाद 2 लड़की का फास्टिंग था, मतलब मेरी 2 फ्रेंड है, हमारी सब 5 में से 2 फ्रेंड का क्या था, फास्टिंग, ठीक है, जन्माष्टमी का। तो फिर उन्होंने सब संभाल लिए, जब तक वो लोग पूजा कर रहे थे, हम और मेरी एक और फ्रेंड बुखर फ्रेंड, हम लोग दोनों चले गए कुछ कुछ खाने और फिर नारियल पानी पीने, बैक टू हम हो गए। उसके बाद हम लोग बैक टू हो गए टेम्पल, तो वहाँ पे हम जाकर बाकी मेरी जो सहपाठियाँ बहुत पूजा कर रही थी, उन सब का हम लोग वेट किए, और उसके बाद उन लोगों ने थोड़ा आने में लेट किया, तो हम सोचे चलो क्यों ना वीडियो क्लिप लिया जाए। या तो फिर वहाँ से हम वीडियो क्लिप लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे थे और कुछ न्यूली मैरिड कपल्स भी देख रहे थे, हाउ स्वीट। तो एनीवे हम वहाँ से फिर जल्दी से क्या बोलते हैं खंडेलवाल बुक स्टोर जाते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स भी लेना था, तो एक बार में 2-3 काम निपटाना होता है। तो उसके बाद मैं ली जनरल एनाटॉमी और फिर मैं घर आ गई।